हरिओम स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करने से पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि आपको अगर टेक्स्ट बुक आपको अगर अवेलेबल नहीं हो लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको जानकारी देते, ठीक है। पहले तो आप गूगल सर्च में जाइए अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल में, तो गूगल सर्च में जाकर आप ये देखिए GSEB टेक्स्ट बुक डाउनलोड, ओके। फिर उसके बाद आपको पहले तो आपको ऐसे लिंक्स मिलेंगे, ऐसे वेबसाइट मिलेंगे जहाँ पे आप आसानी से अपने टेक्स्ट बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाइए geo.gov में या .com में, पता नहीं, शायद gseb.gov भी हो सकते हैं, gseb.com भी हो सकते हैं, दोनों में से हो, और दोनों जो टॉप के तो साइट्स है उसमें आप इन दोनों में से किसी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक में जाइए। फिर उसके बाद आपको स्टैंडर्ड 7 गुजराती मीडियम में जाना है, इंग्लिश मीडियम में नहीं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में ये टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम में नहीं, आप गुजराती मीडियम में जाएंगे। और फिर उसके पश्चात आप जाएंगे सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के सेकेंड लैंग्वेज में, क्योंकि आपका द्वितीय भाषा है तो इसलिए सेकेंड लैंग्वेज, ओके। फिर उसके बाद आपको इंडेक्स दिखा देगा, इंडेक्स में आपको सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए आएंगे, ओके। अगर आपने उसे क्लिक किए तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो कंप्यूटर में उसमें अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में करते तो इंडेक्स ही कोई चैप्टर दिया है, कोई भी एक चैप्टर, जैसे सच्चा हीरा, तो सच्चा हीरा में आप क्लिक करके आपको PDF के थ्रू आपको ये चैप्टर्स के पूरे पेजेस दिखाई देंगे। और अगर आपको उसे डाउनलोड करना है तो ऊपर इसे चैप्टर को क्लिक करने के बाद ऊपर प्रिंट और डाउनलोड वो सब ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, उसमें आपको डाउनलोड में आपको क्लिक करना है अगर आपको पूरी तरह से सेव करना है, अगर आपको दोबारा उसमें वेबसाइट में जाकर इस चैप्टर को ओपन नहीं करना, और आपको रेगुलरली अगर आपको ओपन करना तो बिना इंटरनेट यूज़ किए तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं कि कब टेक्स्ट बुक अब मार्केट में आएगा, ठीक है। नाउ चैप्टर 3 में सच्चा हीरा, सच्चा हीरा का कुछ भाग पढ़ाना रह गया तो वो भाग को हम आज पूरा कराना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आप चैप्टर को ज़रूर पढ़ें, एकदम ईजी है, समझ में भी आए ऐसा है, और आपको क्लास में समझा भी चुका, इतना अगर थोड़ा सा कष्ट करेंगे या इतनी सी मेहनत करेंगे तो आपके लिए इस चैप्टर को समझना, इसका उत्तर लिखना आसान रहेगा, ठीक है। तो हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो विधानों को पूर्ण कीजिए, विधानों को पूर्ण कीजिए, ओके कीजिए। तो पहला प्रश्न है, पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा क्योंकि, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ किस तरह से लिखना है इसे, फिर मैं आपको बोलने के आधार पे लिखने के लिए कहूँगा। पहली स्त्री ने अपने बेटे को
ये प्रश्न है ठीक है। पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक का क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। पहली स्त्री ने यही कहा ना, लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे। इसको कैसे करना है, इस तरह से विधानों को पूर्ण कीजिए, मतलब ये विधान है और इसको पूरा किया, मतलब अंडरलाइन किया ठीक है, आंसर में अंडरलाइन किया ठीक है। ये आपको इस तरीके से लिखना है। अच्छा, इसको अगर आप देखें तो इस तरह के जो प्रश्न है आपको एग्जाम इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक क्यों कहा, पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक क्यों कहा, एक सेंटेंस में आंसर लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि लाखों में एक क्यों कहा, तो आपको इस तरह से उत्तर लेना है। अच्छा, उस समय उत्तर लिखते समय आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो पहली स्त्री ने अपने बेटे को लाखों में एक कहा क्योंकि लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते थे ठीक है, ये पहला। दूसरा लिखिए, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया क्योंकि वह बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था, जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको शब्द मिल जाएंगे अपने आप, बड़े बड़े बहादुरों को पछाड़ देता था। थर्ड क्वेश्चन, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को बृहस्पति का अवतार बताया क्योंकि वह जो कुछ पढ़ता था एकदम याद कर लेता था चलो प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, एक एक वाक्य में, जैसे मैंने यहाँ लिखा विधानों के पूर्ण कीजिए, उसी तरह से वो मेन क्वेश्चन में लिखिए, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए ठीक है। तो पहला प्रश्न है, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी, उत्तर लिखिए, सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां, यहां तक जो है वो क्वेश्चन में दिया है, अब उसके आगे लिखिए स्त्रियां घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। प्रश्न दो, कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां किन के बारे में बातें करने लगी, है ना। अब कुएं की जगत पर बैठी स्त्रियां, यहां तक तो अपने आप लिखिए क्वेश्चन के आधार पे,
तो स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बात करने लगी। स्त्रियां अपने अपने बेटों के बारे में बात करने लगी। आपको पूरा लिखना है, ठीक है। क्रमांक 3, दूसरी स्त्री अपने बेटे को क्या बताया, है ना। अब दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को, यहाँ तक तो अपने आप लिखे, बेटे को आधुनिक युग का भीम बताया। आधुनिक युग का भीम बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी स्त्री का बेटा किसका अवतार था। उत्तर लिखिए, तीसरी स्त्री का बेटा बृहस्पति का अवतार था। बृहस्पति, वह एक क्वेश्चन उसमें दिया चैप्टर में, उसमें तीसरी स्त्री के बेटे के तौर पे उसमें लिखा गया है। पांचवा प्रश्न, चौथी स्त्री का बेटा कैसा लग रहा था। उत्तर लिखिए, चौथी स्त्री का बेटा सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। छठा प्रश्न, क्या देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। उत्तर लिखिए, चौथी स्त्री के बेटे का अपने माँ के प्रति प्रेम और सेवा भाव देखकर तीनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ, जैसे क्वेश्चन में दिया है। सातवां प्रश्न, वृद्ध महिला ने सच्चा हीरा किसे बताया। उत्तर है, वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। बाकी सब हम पहले सब कर चुके हैं, ओके। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की, दूसरी स्त्री ने कैसे की, तीसरी स्त्री ने कैसे की, और चौथी स्त्री ने कैसे परिचय दिया, है ना। सब कुछ इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, ओके। चलो अभ्यास के क्वेश्चन करते, ठीक है, कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों। लिखिए, न गंधर्व सा गायक, कौमा, न भीम सा बलवान, और न बृहस्पति सा बुद्धिमान, था। नेक्स्ट लाइन, वह बहुत ही सीधा साधा
और सरल स्वभाव का लड़का था। नेक्स्ट लाइन, उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं था, अहंकार, ठीक है, अहंकार नहीं था, उसमें नम्रता और सेवा भाव था। नेक्स्ट लाइन, तीनों बेटों ने सिर पर मतलब माथे पर पानी भरकर घड़े ले जा रही सिर पर पानी भर कर घड़े ले जा रही उपेक्षा की ले जाने की क्या? सिर पर पानी भर कर घड़े ले जाने की उपेक्षा की। वीडियो ऐसे घड़े ले जाने की उपेक्षा की, परंतु चौथे बेटे ने अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतार कर सिर पर रखा और चल पड़ा। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार नम्रता और सेवा भाव के कारण चौथी स्त्री का बेटा सच्चा हीरा था। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला प्रश्न का उत्तर तो हमने लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन में कि अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं, उसके लिखने की आवश्यकता नहीं हो, तो आप अपने हिसाब से अगर कुछ पूछे तो आप लिख सकते, लेकिन इसका उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आप रियलाइज़ करके देखिए आप क्या क्या मदद करते हैं, बस वही लिखना है, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है, तो उसका उत्तर लिखिए, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है। नेक्स्ट लाइन, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है। वीर होना भी प्रशंसनीय है। नेक्स्ट लाइन, यदि उसका ज्ञान आचरण में सॉरी प्रशंसनीय है के बाद नेक्स्ट लाइन है सॉरी सॉरी उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है नेक्स्ट लाइन है यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। नेक्स्ट लाइन,
कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता, कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में, कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता, कोमा कोमा कीजिए, अपने ज्ञान और गुणों को, अपने ज्ञान और गुणों को कर्म में उतार कर, अपने ज्ञान और गुणों को कर्म में उतार कर ही, गुणों को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जाता है, उन्हें सफल बनाया जाता है। नेक्स्ट लाइन, इस प्रकार कर्म करके, इस प्रकार कर्म करके कोमा बड़ों की सेवा करके आदमी सच्चा हीरा बन सकता है, बड़ों की सेवा करके आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। अब हम ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लिखेंगे मुहावरे के अर्थ और वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहला है चल पढ़ना, चल पढ़ना का मतलब है चले जाना, ठीक है। और फिर उसका वाक्य है वह घर की ओर चल पड़ा, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना आपको टेक्स्ट बुक के मुहावरे में भी मिल जाएंगे, इधर उधर की बातें करना, उसका उत्तर है गप्पा मारना या गप्प मारना। इसका हम वाक्य में लिखेंगे, कक्षा में सभी इधर उधर की बातें करते हैं, कक्षा में सभी इधर उधर की बातें करते हैं। या आज ये भी कह सकते हैं आसपास की महिलाएं इधर उधर की बातें करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा, लाखों में एक होना, एज गिवन हियर विशिष्ट होना, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि मेरा बेटा लाखों में एक है या मेरी बहन लाखों में एक है ना, या कोई भी रिश्ता जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसमें लिख सकते हैं कि मेरे मामा लाखों में एक है, या कोई भी कह सकते हैं आप, है ना, मेरा कोई भी, मेरे भी, मेरे पापा या मेरी मम्मी लाखों में एक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मन होना, नेक्स्ट, मन होना, मन होना का अर्थ है इच्छा होना, मन होने का मतलब है इच्छा होना। मुझे कुछ अच्छा खाने का मन है, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन है, या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे गाने का मन है, मुझे नाचने का मन है ना, कुछ भी कह सकते हैं आपको जो मन होता है, कभी इच्छा होती है कुछ करने की तो बस, है ना, मुझे खेलने का मन है, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना का अर्थ है तारीफ करना, तारीफ करना, और इसके शब्द हम लिख सकते के
मैंने उसकी तारीफ की। मैंने उसकी तारीफ की, है ना। इतने शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, या मैंने अपने दोस्त की तारीफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबरी करना। टेक्स्ट बुक में भी दिया है बराबरी करना, मुकाबला करना। का आप एक शब्द सेंटेंस में लिख सकते हैं, कि बाप बेटे के बीच बराबरी करना ठीक नहीं। बाप बेटे के बीच बराबरी करना ठीक नहीं। या आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी दो इंसान की बराबरी करना ठीक नहीं। ठीक है। सातवां, पछाड़ देना। पछाड़ देना का मतलब हराना, गिराना। हराना गिराना दोनों आप लिखना, जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो इसमें आप लिख सकते कि एक कुश्तीबाज ने दूसरे कुश्तीबाज को पछाड़ दिया, है ना। एक कुश्तीबाज ने दूसरे कुश्तीबाज को पछाड़ दिया। या फिर आप कह सकते कि क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को पछाड़ दिया। कि क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को मैच में पछाड़ दिया, ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, कंठ में सरस्वती का निवास होना। कंठ में सरस्वती का निवास होना, उसका अर्थ क्या है? अच्छा, ये कंठ में सरस्वती का निवास होना, ये आपको चैप्टर में आपको दिख जाएगा। उसका अर्थ है पढ़ाई लिखाई में तेज होना। पढ़ाई लिखाई में तेज होना। इसका वाक्य में आप लिख सकते कि मेरे दोस्त के कंठ में सरस्वती का निवास है। मेरे दोस्त के कंठ में सरस्वती का निवास है। या भी लिख सकते कि मेरे भाई के कंठ में सरस्वती का निवास है, या मेरी बहन के कंठ में सरस्वती का निवास है। कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। नौवा प्रश्न, गोद का हीरा। गोद का हीरा, गोद उसमें आता ना, गोद का हीरा है गोद, वो कहते ना गोद का हीरा, उसका उत्तर है, माफ करना, इसका अर्थ है लाडला बेटा।
भूत का हीरा का मतलब लाडला बेटा। उसका उत्तर में आप लिख सकते हैं, मैं अपनी माँ का गोद का हीरा हूँ, मैं अपनी माँ का गोद का हीरा हूँ, या मैं अपने पिता का, मैं अपने पिता का भी लिख सकते हैं, मैं अपने पिता का गोद का हीरा हूँ, या अपनी माँ का, जो आपको सूट करे। ठीक है, दसवां प्रश्न, गदगद स्वर में कहना, भावुक होना, गदगद स्वर में कहना, इस तरह से लिखना है गदगद। गदगद स्वर में कहना, भावुक होना। खुशी के पल में, खुशी के पल में मैं गदगद स्वर में कहा, खुशी के पल में मैं गदगद स्वर में कहने लगा, है ना। खुशी के पल में कई बार हम भावुक होके कुछ कई बार कह देते, तो खुशी के पल में मैंने गदगद स्वर में कहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा हीरा होना, एज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, अच्छा आदमी होना, उसका उत्तर में लिख सकते कि चरित्रवान मनुष्य ही सच्चा हीरा होता है। चरित्रवान मनुष्य ही सच्चा हीरा होता है, चरित्रवान भी लिख सकते हैं और आज्ञाकारी भी लिख सकते हैं। चलो आज्ञाकारी तो है, चरित्रवान। चरित्रवान मनुष्य ही सच्चा हीरा होता है। ठीक है, ये आपके उपयोगी प्रश्नार्थ हो गए। तो इसी के साथ चैप्टर 3 भी आपका पूरा हो। ठीक है, तो इसका अभ्यास अवश्य करें और इस चैप्टर को अवश्य पूरे से पढ़ें और अच्छे से समझें। ठीक है, ये समझना बहुत आसान है। ठीक है, और इस पर खास ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू।